तो गाइस यार, जब से मेरे पड़ोस में ये दो कार्टून रहने के लिए आए हैं ना, मुझे मतलब जलाते ही रहते हैं। एक से एक नई कार लेके आते रहते हैं। कौन है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, एक ये बंदा है जो कि एक कार लेके आया है भाई। अभी भी ये सुपर कार लेके आया है। पता नहीं इनके हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि भाई ये एक से एक सुपर कार जो है लेके आ रहे हैं, और मेरे पास में अभी तक भी कोई कार नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाऊं मैं जिससे कि मेरे पास भी सुपर कार आ जाए। जब से मैंने यहाँ पे ये नया वाला घर लिया है ना, इन दोनों कार्टून के बगल में, तो ये ना मुझे जलाते ही रहते हैं। देखो, अब गाड़ी लेके आएगा और फिर उसके बाद मेरी तरफ चक्कर लगाने आएगा। पता नहीं क्या मतलब ये मुझे दिखाने के लिए। तो और ये इसका दूसरा भाई जो कि वहाँ पर बैठ के गाना बजाना कर रहा है, इसके पास भी कई सुपर कार है। पता नहीं ये बंदे क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके पास में इतने पैसे कहाँ से आते हैं जो ये इतनी अच्छी अच्छी सुपर कार लेके आए। आप देखो, यहाँ पर घूम के आएगा मेरी तरफ और आएगा मेरे गैराज में, देखेगा कि कुछ भी नहीं है, और फिर मेरे पास आएगा और पूछेगा, भाई तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है क्या? यार मतलब मन तो ऐसा कर रहा है ना, इसकी मुंडी पकड़ के मैं यहीं बर्फ़ में दबा दूं इसको, और इसकी जो ये रेड कलर की कार है ना, इसको एकदम पेट्रोल छिड़क के मैं इस पर आग लगा दूं। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि लॉस सैंटोस की पुलिस जो है ना, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, बहुत ख़तरनाक है। तो अभी हम जो है जुगाड़ लगाते हैं कुछ, और अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया जाए जिसका नाम है माइकल, और उससे मुझे कुछ आइडिया मिलेगा जो वो बताएगा। क्योंकि भाई पैसा वैसा कमाने के चक्कर में उसके पास एक से एक बढ़ के आइडियाज़ होते हैं। तो चलिए पहले चलता हूँ उधर। देखो, मैं तुम्हें पहले इसकी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये रेड कलर की गाड़ी है जो कि ये अभी लेके आया है, और इसका ये भाई जो यहाँ पर बैठ के यहाँ पर गिटार बजा रहा है, इसके पास में दो कार और हैं। ये देखो क्या मस्त सुपर कार है। तो यार, जब से क्रिसमस गया तब से ना बर्फ़ पड़ रही है बहुत बुरी तरह से लॉस सैंटोस के अंदर। तो मैंने टैक्सी बुलाई थी, वो आई नहीं, फिर मजबूरी में यार मुझे गलत काम करने पड़ते हैं, मैंने फिर ये गाड़ी छीन ली। तो चलो, अब मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के पास माइकल से मिलने, क्योंकि उसको मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और उससे बात करके पता लगाएंगे कि भाई कैसे हमें भी एक सुपर कार जो है वो मिल सकती है। तो भाई, अपने यहाँ पे आके पार्टी वगैरह जो है वो कर लिया, और देखो इस टाइम पे जो है चाल चलन सब बिगड़ चुके हैं। लेकिन हमारी बात हुई है माइकल से, उसने बताया कि लॉस सैंटोस की जो पुलिस है ना, उसने अपने लिए कुछ सुपर कार्स मंगाई हैं बाहर से, दुबई से। तुम्हें पता होगा दुबई वाले पुलिस के पास में एक से एक मस्त सुपर कार होती है, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन, सब पुलिस वालों के पास हैं। क्योंकि भाई वहाँ की पुलिस जो है ना काफ़ी ज़्यादा अमीर है, और इसीलिए लॉस सैंटोस की पुलिस ने भी ये सोचा कि यार हम ही क्यों किसी से पीछे रहें। तो उन्होंने भी अपने लिए चार पांच कार्स जो हैं वो इंपोर्ट कराई हैं बाहर से, और वो कार्स जो हैं वो अभी भी एयरपोर्ट पे खड़ी हुई हैं। तो आज हमारा काम ये है कि हम जाएंगे और उन कार्स को लूट के आएंगे। तो भाई, ये बहुत अच्छी खबर हमें दी है माइकल ने, तो चलिए इस पर काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद गाइस, माइकल ने मुझसे कहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो मैं उसको बता सकता हूँ, और अगर मुझे चोरी में माइकल को साथ लेके जाना है तो वो भी ये कर देगा मेरे लिए, क्योंकि भाई बहुत तगड़े लेवल की दोस्ती है हमारी। लेकिन मैंने उससे बोला कि नहीं, ये काम मैं अकेले ही कर दूंगा, बस तू मेरे लिए ना एक गाड़ी का इंतजाम कर दे। तो उसने बोल दिया कि कल तुझे मैं एक बुलेट प्रूफ कार भेजूंगा, और तेरे लिए एक मस्त सूट भेजूंगा आर्मी वाला, जिससे कि तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जो वहां पे सिक्योरिटी वगैरह होगी एयरपोर्ट पे, उनको तू बता दिए कि तू भाई बहुत तगड़े मतलब फौजियों की तरफ से आया है, और तेरे मतलब उन गाड़ियों का इंस्पेक्शन करने के लिए आया है। तो भाई, अब कल चलते हैं अपनी उस नई गाड़ी में, बुलेट प्रूफ में, जो कि माइकल हमें भेजेगा। तो चलिए गाइस, कार हमारे पास में आ चुकी है जो माइकल ने हमें भेजी है, और ये बुलेट प्रूफ कार है, बहुत तगड़े लेवल की कार है। और ये जो सूट मैंने पहन रखा है ना, ये भी आर्मी वाला सूट है, इसके अंदर भी बुलेट्स जो हैं वो आर पार नहीं होती हैं। तो इसको लेकर के हम जाने वाले हैं। वैसे तो वो इस गाड़ी को देख के ही गेट खोल देंगे। उसके अलावा मैंने भी भाई ड्रेस पहन ली है जो कि माइकल ने भेजी है आर्मी वाली, जिससे कि सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे बस ये करना है कि अंदर जाना है, गाड़ियों को ढूंढना है, और उनमें से एक गाड़ी लेके आ जाना है। तो भाई यहाँ पर जाता हूँ मैं। भाई यहाँ पर रास्ता तो बंद कर रखा है इन्होंने, हो सकता है यहाँ पर कुछ चेकिंग वगैरह हो। हाँ भाई, एक सिक्योरिटी वाला आ रहा है, तो इसको पहले ना चेक करने देते हैं, क्योंकि भाई सिक्योरिटी को अगर तोड़ के जाएंगे ना तो हम गाड़ी नहीं उठा पाएंगे, इतनी पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो पुलिस को जब भी पता चलना चाहिए कि हम चोर हैं, जब हम गाड़ी लेके भागेंगे यहाँ से। और भाई मेरा मास्क देखो कैसा लग रहा है, और भाई ये इसने देखते ही पहचान लिया है कि हाँ भाई कोई बड़ा अफसर है जो कि आया है यहाँ पर एयरपोर्ट पे। और इस रास्ते से असल में आम लोग जो है वो आ ही नहीं सकते, इसके अंदर जो है सिक्योरिटी वाले या फिर जिस मतलब काफ़ी अच्छे पद वाले लोग जो है वो आ सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसने जो ना यहाँ पर गेट खोल दिया है। और भाई अब जाने वाले हैं हम अंदर, चलो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हुई यार। इस गाड़ी की वजह से हमें जो है बहुत ज़्यादा वो मिला है सम्मान यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी पता नहीं किसकी लेके आया है। माइकल बहुत जुगाड़ू बंदा है यार, माइकल के लिए एक लाइक तो बनता है
है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो भाई यहाँ पर इस हैंगर के अंदर ज़्यादातर कार्स वगैरह खड़ी होती है, लेकिन आज यहाँ पर कार नहीं है। वो कार कहाँ है वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो माइकल ने मुझे बताया था कि एक जो है ना वो खड़ा होगा, बहुत बड़ा वाला प्लेन जो होता है ना, कार्गो प्लेन, कार्गो प्लेन के अंदर ही आती हैं कार्स वगैरह। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये बड़ा सा प्लेन जो है यही कार्गो प्लेन है, लग तो यही रहा है, और इसी के आसपास गाड़ियाँ होनी चाहिए। भाई यहाँ पर कितने प्लेन खड़े हैं, हाँ भाई दिख गई गाड़ी, ओ भाई 5 गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और ये हैं कौन कौन सी अभी देखनी पड़ेंगी। लेकिन भाई इनमें एक दिक्कत है कि इन पे ना पुलिस वगैरह लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ से भी आई है ना ये डायरेक्ट पूरी एकदम रेडी होकर आई है पुलिस वालों के लिए। ओ भाई इन पे सब पे पुलिस लिखा हुआ है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, मुझे एक माइकल का ये कॉन्टैक्ट है सिमियन, तो उसके पास में मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, और वो इन गाड़ियों को जो है पुलिस वाले सारी जो इनकी ये ऊपर रैप हो रखी है ना वो सब ख़त्म कर देगा और एक नॉर्मल कार इसको बना देगा। तो भाई मुझे बस चूज़ करनी है ये मैक्लारेन है, और इसके बाद में ये है अपनी, भाई कौन कौन सी कार है पहचानने में नहीं आ पा रही, क्योंकि इनके ऊपर जो ना रैप इतना तगड़ा हुआ हुआ है पुलिस वालों का कि ये पहचान तक में नहीं आ रही। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, सीधा सीधा ये लैम्बोर्गिनी उठाता हूँ और यहाँ से लेके चला जाता हूँ, क्योंकि भाई लैम्बोर्गिनी ही मुझे अच्छे से समझ आ रही है। वैसे मैक्लारेन भी अच्छी लग रही है, लेकिन लैम्बोर्गिनी ज़्यादा मस्त लगती है। तो अभी इसको लेके मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, लेकिन सिक्योरिटी भाई अब की बार मुझे रोकेगी ज़रूर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वाली गाड़ियाँ जो हैं ये सारी एक साथ जानी थी, और मैं कोई एक बंदा अकेले इसको चला के कैसे लेके जा रहा है। अब जिस गेट से मैं आया था उस गेट से तो मैं वापस जा नहीं सकता, तो मुझे कोई दूसरा रास्ता निकलने के लिए यहाँ से ढूंढना होगा। वैसे तो एयरपोर्ट में काफ़ी सारे रास्ते हैं, और मुझे बचना होगा सिक्योरिटी से कि भाई सिक्योरिटी मेरे पीछे ना लग जाए, वरना भाई नई गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह आ जाएंगी। वो तो खैर कोई बात नहीं है, सिमियन सब कुछ ठीक कर देगा। वो ये वाला रास्ता जो है ना ये मुझे कुछ सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सिक्योरिटी वाला बंदा मुझे दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ सामने से मुझे लग रहा है पुलिस आ रही है, ये पता लग चुका है, सीसीटीवी में देख लिया इन्होंने शायद। हाँ भाई ये वाला सिक्योरिटी वाले को तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस वगैरह का लग रहा है। भाई गाड़ियाँ आ चुकी हैं बाहर, ओ भाई मैंने गलती कर दी यार इस वाले दरवाजे में आके। हाँ भाई इसको भी पता लग गया, देखो वो गोलियाँ चलाने लगे मेरे ऊपर, फटाफट से निकलो भाई, और दरवाज़ा खुला भी नहीं है। भाई पूरी गाड़ी पे गोलियों के निशान हो गए, ये वाला गेट खुल जाएगा, हाँ इधर से निकलता हूँ, ये सबसे सेफ रास्ता है निकलने के लिए। पहले यार मुझे इधर से ही निकल के जाना था, इधर वाले दरवाजे पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है ज़्यादा, तो यार मैंने गलती कर दी उस वाले दरवाजे की तरफ जाके। भाई ये देखो यार पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ से आ रही हैं, वो बाहर भी आ गई यार, अब क्या करें, अब तो निकलना तो पड़ेगा ही। भाई जल्दी खुल यार गेट, इतना स्लो क्यों खुल रहा है तू, चलो जल्दी निकलते हैं भाई यहाँ से। बहुत सारी पुलिस जो है वो अपने पीछे पड़ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पुलिस को तो चकमा दे देंगे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी है यार, अपने पास में कोई हल्की फुल्की गाड़ी नहीं है। इसको लेके मैं इतनी तेज़ दौड़ाऊँगा ना कि भाई पुलिस वालों की गाड़ियाँ तो पीछा करती करती रह जाएंगी। भाई वैसे बहुत सारी पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, क्या करूँ मैं, एक काम करता हूँ यार इनसे ना बचने के लिए कहीं मुझे ऐसे सीवर लाइन वगैरह में घुसना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ रोड से अलग निकलता हूँ मैं कहीं भी। भाई ये आगे देखो भाई, कुछ और मांगता ना फटाक से मिल जाता मुझे आज, मैंने सीवर लाइन का बोला और वो नाला जो होता है ना सबसे फेमस वाला लॉस सैंटोस का वो आ चुका है, तो मैं उसके अंदर घुस चुका हूँ अब। और यहाँ से अब पुलिस जो है वो भाई आगे से भी आ रही है यार, कहाँ से रास्ते मिल रहे हैं इनको आने के लिए। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा साइड में चलाता हूँ, जिससे कि ये अगर कूद के आएगी तो पानी के अंदर जाएंगे, सारे पुलिस वाले मार जाएंगे। कूदो सालो जितना कूदना है तुम्हें, चलो मैं अब निकलता हूँ। भाई ये आ चुका है एंड, और भाई अब मेरे पीछे से पुलिस जो है फाइनली वो हट चुकी है, और अब जो है पुलिस से बच तो गए हम, लेकिन अब मुझे गाड़ी लेके जाना पड़ेगा सिमियन के पास में, और सिमियन का एक सीक्रेट गैराज है वहाँ पर मुझे इसको छोड़ के आना है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल वाली जो उसकी वर्कशॉप है ना वहाँ पर नहीं लेके जा सकते, वरना सबको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरे शहर के अंदर न्यूज़ फैल चुकी होगी कि पुलिस की एक गाड़ी चोरी हुई है, वो भी लैम्बोर्गिनी। हो सकता है पुलिस इसको जो है छुपा ले, पब्लिक में ना बताए, अगर नहीं बताएगी तो फिर हमारा फ़ायदा है, लेकिन हम तो इस गाड़ी को नॉर्मल बनवा ही लेंगे। भाई यहाँ पे खड़ा है सिमियन, इससे बात करते हैं कि ये कितने दिन में इस काम को कर देगा, और जल्दी से यार फिर मेरी गाड़ी आ जाएगी। और उसके बाद भाई वो दोनों भाई जो है ना कार्टून जो मेरे पड़ोसी हैं उनको ना मैं बहुत तगड़ी तरह जलाने वाला हूँ, क्योंकि उनके पास भले ही 2, 3, 4 कितनी भी कार हों लेकिन लैम्बोर्गिनी उनके पास में नहीं है, ये मेरे घर के आगे खड़ी होगी। और अगर तुम्हें भी लगता है ना कि भाई उनको जलाना चाहिए तो कमेंट में बताओ जल्दी से, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब इसी तरह की अगली वीडियो देखने के लिए।
जिसमें कि हम भाई उन दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरह जलाने वाले हैं, और भी कार्स मैं चुराने वाला हूँ जिससे कि मेरे पास भी बहुत सारी कार्स वगैरह आ जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।